लोग अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए कई बार झूठी कहानियों का सहारा लेते हैं। ये झूठी कहानियाँ अक्सर ह्यूमन स्टोरी होती हैं, जिससे लोगों का दिल पिघल जाए और लोग एजेंडे के झांसे में आ जाएं। ऐसा ही हमें CAA और NRC के विरोध प्रदर्शनों में भी देखने को मिल रहा है। CAA के पारित होने के बाद एक अजीब ट्रेंड शुरू हो गया और सभी विरोध करने वाले यह रट लगा रहे हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। इससे जुड़ी विशेष वर्ग की कई झूठी कहानियां परोसी जा चुकी हैं। अच्छे भले डॉक्यूमेंट्स दिखाकर नौकरी कर रहे लोग भी अपने पास कागज न होने की बात कहकर बात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इस कानून का विरोध करने वाले पत्रकार इस तरह की कपोल कल्पित कहानियां बताकर अपने एजेंडे को आगे करते हैं। इसी का एक नमूना हमें बुधवार को देखने को मिला, जब हफ पोस्ट के एक पत्रकार ने ट्विटर पर एक कहानी बताकर NRC और CAA के खिलाफ लोगों को भड़काया। पत्रकार अंकुर पाठक हफ पोस्ट के एंटरटेनमेंट एडिटर हैं। ट्विटर पर वह एक वेरीफाइड ट्विटर चलाते हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक मुस्लिम ड्राइवर की कहानी लिखी जो उबर में नौकरी करता है। उन्होंने लिखा कि मैं उबर कार में था जिसका ड्राइवर एक मुस्लिम था। वह वृंदावन का रहने वाला था। उबर ड्राइवर ने पत्रकार अंकुर पाठक से कहा, मैं हॉस्पिटल में नहीं चारपाई पर पैदा हुआ, माँ बाप अनपढ़ हैं, कहाँ से लाऊं कागज। इस पत्रकार ने आगे लिखा कि उस मुस्लिम ड्राइवर ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे वह वृंदावन में मस्ती करता था और अपने हिंदू दोस्तों के साथ क्रिकेट और छुपा छुपी खेलता था। वह आगे लिखते हैं, जैसे जैसे वे बड़े होते गए वे फेसबुक से आपस में जुड़े रहे, लेकिन हाल के दिनों में सभी दोस्त उसे अनफ्रेंड करने लगे और उसके टाइमलाइन पर गलत गलत पोस्ट लिखने लगे। उस ड्राइवर ने कहा कि बचपन के यारों को मजहब कब से दिखने लगा। ड्राइवर ने आगे बताया, मैंने अपने FB पर JNU पर हमले की निंदा करने वाली एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद उसके बचपन के दोस्त ने टिप्पणी की, गोली मारो सालों को, मेरे भाई हैं वो, साथ में बड़े हुए, कैसा बन गया ऐसे वो। इस कपोल कल्पित कहानी में भावनाओं को डालने के लिए हफ पोस्ट के इस पत्रकार ने लिखा कि उन्होंने कभी किसी को इस तरह से दुखी होते हुए नहीं देखा है। यह कहानी कितनी सच्ची है और कितनी नहीं, यह तो आप स्वयं ही थोड़ी देर में समझ जाएंगे। हम बस दो सवाल करना चाहते हैं उबर से। पहला सवाल उबर से यह है कि यह व्यक्ति कौन है जो किसी डॉक्यूमेंट के न होने के बावजूद आपके यहाँ नौकरी कर रहा है। उबर इस ड्राइवर को ढूंढे और उसे तुरंत नौकरी से निकाले, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के किसी की प्रोफाइल को वेरीफाई किया नहीं जा सकता। आम लोग जो इस ड्राइवर की कैब से आवाजाही करते हैं, यह उनके लिए खतरा है, क्योंकि अगर कोई अपराध होता है तो ऐसे बिना डॉक्यूमेंट्स वाले ड्राइवर पकड़ में कैसे आएंगे। अगर ऐसा सच में है कि उबर बिना वेरीफाई किए ड्राइवर्स को काम दे रहा है, तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेकर तुरंत सभी एग्रीगेटर से इस प्रकार के ड्राइवरों के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। पुलिस को यह दबाव बनाना चाहिए कि एग्रीगेटर ऐसे ड्राइवर से डॉक्यूमेंट्स जमा करने को बोले, नहीं तो नौकरी से निकाले, क्योंकि यह लोगों की सुरक्षा की बात है। दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसी बिना डॉक्यूमेंट वाले ड्राइवर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उस हफ पोस्ट के पत्रकार ने इस कहानी को कैसे गढ़ लिया। अगर उबर पहले से ही पूरे कागजात देखकर ड्राइवर्स को वेरीफाई कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि अंकुर पाठक ने झूठी कहानी फैलाई। इसके लिए उबर को तुरंत इस पत्रकार के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति काल्पनिक कहानी बनाकर अपने CAA और NRC के विरोध में एजेंडे को फैलाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उबर को बदनाम कर रहा है। यह हास्यास्पद है कि लोग CAA और NRC के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए स्तरहीन और दिशाहीन खबरें चला रहे हैं और किसी पर भी कोई आरोप लगा दे रहे हैं। जब ट्विटर पर लोगों ने इस पत्रकार को आड़े हाथों लिया और सवाल किया कि उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त किया, वह बिना डॉक्यूमेंट्स के उबर के साथ कैसे पंजीकृत हुआ, उसका पेमेंट कैसे हो रहा है, उसके पास बैंक खाता होना चाहिए, खाता खोलने के लिए तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट जमा किया ही होगा। तब इस पत्रकार ने लोगों को राइट विंग नीनकंपुप्स से संबोधित कर कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स NRC के लिए स्वीकार्य नहीं है। उनके इस टिप्पणी से यह सवाल उठता है कि अगर NRC में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी चाहिए हो, तो ड्राइविंग के लिए तो चाहिए ही, किसी ड्राइवर के पास इसका होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि पाठक को यह कैसे पता चला कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं, क्योंकि अभी NRC के नियम कानून तो ड्राफ्ट ही नहीं हुए हैं। इससे तो यही साबित होता है कि अंकुर या तो बेवकूफ़ हैं या लोगों को सच नहीं बताना चाहते हैं। और भारत विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। उबर को ऐसे एजेंडावादी पत्रकार के खिलाफ
कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए।